दोस्तों आपके सामने है मोटरोला का ब्रांड न्यू हेलो मोटो। आप देख सकते हैं पावर्ड बाय एंड्रॉइड के साथ ये लिखा हुआ आ जाता है। और आप इसका बैकग्राउंड देखिए दोस्तों, आप इसका फॉन्ट देखिए और देखिए ये पावर्ड बाय थिंकशील्ड आ जाता है। इसका मोटरोला का नाश्ता हुआ लोगो देखने को मिल जाता है। इसका कितना बढ़िया एनिमेशन है, कितना बढ़िया बैकग्राउंड है। और आप देख सकते हैं कि फोन के अंदर जाने के लिए बेकरार हो जाता है। तो चलिए फोन के अंदर जाते हैं और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाता है। और अब देखिए आपको एक छोटा सा जादू दिखाते हैं दोस्तों। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था वो 781 इस तरह से आ जाता है। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इस तरह का उल्टा पुल्टा जो पिन है वो आपको कौन से बैंकिंग ऐप में देखने को मिलता है, जो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही कमाल है। तो चलिए पहले तो फटाफट से अंदर चढ़ते हैं अपने इस मोबाइल को और देखते हैं कि आपको लुक एंड फील कैसा देखने को मिल जाता है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना है दोस्तों, हमारे पास आ चुका है मोटरोला मोबाइल का H50 5G मोबाइल, जो कि बहुत ही फ्लैगशिप फोन निकल के आने वाला है। क्योंकि इसमें LTPS एमोलेड पैनल आपको देखने को मिल जाता है, जो 2500 निट्स का पीक ब्राइटनेस देता है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, हेलो मोटो UI के साथ आता है, यानी कि पूरा का पूरा ये पैकेज के साथ आता है दोस्तों। और साथ में क्या आता है तो 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स, जो अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने इस मोटरोला मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। और अब जब AI की बात हुई है तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको AI कहाँ देखने को मिलता है। तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे, तो सबसे पहले आपको AI से दर्शन होगा वो यहाँ पर होगा, क्रिस्टल टॉक AI के रूप में, जिसको बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। ये क्या करता है दोस्तों कि AI की मदद से जब भी आप कॉल में होते हैं तो बैकग्राउंड के नॉइज को बिल्कुल शांत कर देता है, यानी सामने वाला आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज सुनेगा और आप भी सामने वाले का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज सुनेंगे। तो AI के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें स्पेशल ऑडियो भी आपको देखने को मिल जाता है। बस यहां से आपको जाना है स्पेशल ऑडियो के कॉन्फ़िगरेशन में। और अभी तक आप जानते हैं आईफोन में ही आपको स्पेशल ऑडियो देखने को मिलता था, मगर अब मोटरोला के डिवाइसेस में भी स्पेशल ऑडियो का आपको एक खास इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे आपको क्या लगेगा कि सराउंड साउंड गूंज रहा है बिल्कुल, जब भी आप कोई मूवी देखेंगे या फिर गाना सुनेंगे। इनफैक्ट एक डरावना मूवी में देख रहा था, मेरे को पीछे 2-3 बार लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा होकर बोल रहा है, इतना खतरनाक छन छन की आवाज आता है इस स्पेशल ऑडियो में। जरूर से यूज कीजिए, मजा आ जाएगा। और अगर आप नॉर्मल ऑडियो लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डॉल्बी एटमॉस से पावर्ड आपको नॉर्मल ऑडियो मिल जाता है, जिसमें स्मार्ट ऑडियो है, म्यूजिक है, फिल्म है, गेम है, पॉडकास्ट है, कस्टम है। मैं नॉर्मली म्यूजिक को प्रेफर करता हूं क्योंकि इसमें सबसे बढ़िया क्वालिटी का साउंड आपको निकल के आता है। इसी में अगर बैक जाएंगे वापस साउंड में तो आप देखेंगे कि ऊपर में एक कमाल का आपको ऑप्शन मल्टी वॉल्यूम का मिल जाता है, जिसको बस यहां से आपको इनेबल कर लेना है। और ये करता क्या है तो मल्टीपल अगर आप म्यूजिक का ऐप अपने मोबाइल में प्ले करते हैं तो सारे का कंट्रोल आपको इंडिविजुअली देखने को मिलेगा, म्यूजिक का खासकर। एक मास्टर वॉल्यूम होगा जो मोबाइल के सारे वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा, और एक एग्जांपल के लिए गाना का ऐप है, एक एग्जांपल स्पॉटिफाई का ऐप है, कि दोनों को आपको अलग अलग स्लाइडर मिलेगा म्यूजिक का। एग्जांपल के लिए जैसे ही आप अपने इस वॉल्यूम बार को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो मेन वॉल्यूम बार है ये आपका मोबाइल का है, और ये स्पॉटिफाई का है, और ये गाना का है, और सबको आप इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, और इसको बढ़ा घटा सकते हैं इस तरह से। अब आपको इस मोटरोला के फोन में हेलो UI देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देता है। तो आप देख सकते हैं हेलो मोटो का कितना बढ़िया बैकग्राउंड और यहाँ पर फॉन्ट आपको देखने को मिल जाता है, और साथ में ही आपको मिल जाता है एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, अगर आप डिवाइस में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन आपको 14 मिल जाता है। और ये नहीं किया तो क्या किया दोस्तों, मल्टीपल टैप करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक स्पेसशिप मिल जाता है एंड्रॉइड 14 का, और पीछे तारे हैं जो अपने ही धुन में चले जा रहे हैं। और आप चाहते हैं इनको और एक्सेलरेट करना और भी इनको धुन में ले जाना तो बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना, और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से ये एनिमेशन के साथ जाता है और आपको ले जाता है स्पेस में। और ये स्पेस में जैसे ही आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारा फीचर देखने को मिल जाता है। अब AI का एक और आपको कमाल दिखाते हैं दोस्तों। आप सेटिंग्स में जाएंगे, पर्सनलाइज में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेड विद AI, यानी आप अपने वॉलपेपर को बना सकते हैं AI की मदद से। और इस यूनिक वॉलपेपर को जनरेट करने के लिए आपको AI की मदद कैसे लेना है तो यहाँ जाना है, या तो कैप्चर कीजिए फोटो अभी, या फिर फोटो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी फोटो जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए ये जनरेट करना शुरू कर देता है वॉलपेपर को, इसको लगता है 10-15 सेकंड, और जैसे ही प्रोग्रेस और बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो ये जनरेट कर देगा बिल्कुल यूनिक वॉलपेपर इस तरह का। आप या तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या प्लेन वॉलपेपर ले सकते हैं, या इस तरह का टेक्सचर ले सकते हैं, या इस तरह का यूनिक वॉलपेपर को चूज कर सकते हैं। और आपको लगता है कि और शानदार वॉलपेपर चाहिए तो डायनेमिक में आप जा सकते हैं, जिसमें आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। जैसे देखिए आप इस तरह का वॉलपेपर है, देखिए इस तरह का एनिमेशन के साथ आपको वॉलपेपर देखने को मिलेगा जो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आपको देख सकते हैं कि कितना सारा वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जिसको भी मन है डाउनलोड कर लीजिए। फोटो को वॉलपेपर बनाना चाहते हैं तो यहाँ फोटो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको थीम भी देखने को मिल जाता है, वेरियस थीम है दोस्तों, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको
आपको लगता है कि नहीं ये सब थीम काम का नहीं है, आपको अपना थीम बनाना है, तो यहाँ प्लस में जाके आप अपना थीम बना सकते हैं। यहाँ नाम दे दीजिए और वॉलपेपर कौन सा रखना है, आप आइकॉन का साइज क्या रखना है, फॉन्ट है, कलर है, आइकन शेप है, सारा का सारा यहाँ सेलेक्ट करके आप बस सेव कर दीजिए, तो आपका अपना थीम बन जाएगा जिसको आप अपने वॉलपेपर में यूज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आइकन का शेप अगर चेंज करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं, देखिए नॉर्मल तिरंगा रखना चाहते हैं तो ये मेरे को आजकल ये वाला अच्छा लगता है तो मैं इस तरह का रखता हूँ। इसी में बैक जाएंगे तो फिर आपको कलर भी मिल जाएगा कि आप अपने पैलेट कलर क्या चूज करना चाहते हैं, और यहाँ आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा कि जो भी आप पैलेट कलर चूज करेंगे उसका प्रीव्यू क्या हो जाएगा। यहाँ पर पैंटोन का मेजेंटा कलर जब से मैंने देखा है दोस्तों एज 40 प्रो में, तब से मैं मेजेंटा का फैन हो गया हूँ, मैं मेजेंटा ही रखता हूँ, मजा आ जाता है देखकर। तो आप बेसिक कलर चूज करते हैं, वॉलपेपर से कलर चुन सकते हैं और थीम डाइकॉन भी कर सकते हैं दोस्तों। जो मोनोक्रोम का आजकल ट्रेंड चला हुआ है बस यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए जो भी मोनोक्रोम सारा का सारा आपका आइकॉन हो जाएगा। नथिंग फोन में आपने देखा होगा कितना कूल लगता है मोनोक्रोम आइकॉन, आप चाहे तो यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको लॉक स्क्रीन का भी सारा सेटअप देखने को मिल जाता है, यानी लॉक स्क्रीन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं जैसे इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, फेसेस आप इस तरह का करना चाहें तो इस तरह का कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन स्टाइल कैसा चाहते हैं, चिप चाहते हैं, लिस्ट चाहते हैं, बबल चाहते हैं, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में आपको दो आइकॉन देखने को मिल जाता है, कौन सा आइकॉन आप चाहते हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैमरा चाहते हैं, देखिए शॉर्टकट आप कैमरा कर सकते हैं, देखिए यहाँ कैमरा हो जाता है। फिर आजकल QR कोड बहुत यूज होता है तो यहाँ पर QR कोड करना चाहते हैं यहाँ पर QR कोड कर दीजिए, तो देखिए अब आपको लॉक स्क्रीन पे ही कैमरा और QR कोड एक्सेस को मिल जाएगा, आपको अंदर जाने का जरूरत ही नहीं है। और एक बार डन हो गया तो बस बैक चले जाइए और चेंजेस अप्लाई हो जाएगा लॉक स्क्रीन का। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको साइज डिस्प्ले का और टेक्स्ट को आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, डिस्प्ले साइज बढ़ाना है, बोल्ड टेक्स्ट करना है, हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट करना है, सारा का सारा यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बैक जाएंगे तो आप लेआउट चेक कर सकते हैं, यानी कि 5x6 है, आप 5x5 रखना चाहते हैं, 4x7 है, 4x6 है, तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप यहाँ पर चूज करते थे। फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, आप जब अपना फिंगरप्रिंट देते हैं उंगली को रख के तो कौन सा एनिमेशन होगा, बूमरैंग भी अच्छा लगता है, रेडियल भी अच्छा लगता है, जो भी आपको रखना चाहिए आप रख सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है मगर फिर भी ठीक है। इसके बाद आप डार्क मोड में जाना चाहे एज लाइट यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। एज लाइट क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका ये कर्व्ड स्क्रीन है तो यहाँ पर एज में लाइट आएगा, जैसे कमिंग कॉल में हो या फिर आपका नोटिफिकेशन में हो, अलार्म में हो, इस तरह कर सकते हैं। कौन सा कलर होगा तो आप ये कलर चुन सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया एज लाइट में आपको ये कलर देके एनिमेट करता है। आप ऑरेंज चाहे तो ऑरेंज कर सकते हैं, मजेंटा कर सकते हैं, लाइट कलर रखने ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो साफ दिखता है। फोन पलटा रहेगा तो भी आपको एज का कलर दिख जाएगा, एज लाइट का इफेक्ट दिख जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कोई नोटिफिकेशन आया है, कोई कॉल आया है या फिर आपका कोई अलार्म बज रहा है। अब दोस्तों जो आप देखने वाले हैं उसको देखकर आपके दांतों तले उंगली दबा लेंगे अब, क्योंकि आपको कुछ खतरनाक दिखाना चाहते हैं। ये देखिए ये नया कंट्रोल सेंटर आपको मोटोरोला की तरफ से मिल जाता है, जो ट्रेडिशनल एंड्रॉइड 14 का कंट्रोल सेंटर है वो लाना चाहे तो आप वो भी ला सकते हैं, मगर फिलहाल तो आनंद उठाइए इसका, भले ही आप कह सकते हैं ये कहीं से कॉपी किया गया है, मगर दोस्तों अच्छा चीज अगर कॉपी भी किया जाए तो उसकी तारीफ ही करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कितना कूल कंट्रोल सेंटर ये लग रहा है मोटोरोला में। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये कैसे आता है दोस्तों, तो आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर होम लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है, कंट्रोल सेंटर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडर्न स्टाइल की जगह बस आपको क्लासिक स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप क्लासिक वे में कंट्रोल सेंटर को चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह का क्लासिक कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिल जाता है, जो टिपिकल एंड्रॉइड 14 का कंट्रोल सेंटर है। और यहाँ पर एक क्विक टिप मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टाइम है इस पर आप टैप करेंगे तो आप डायरेक्टली क्लॉक ऐप में चले जाएंगे, आपको कहीं भी क्लॉक ऐप में अंदर जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं है। और कंट्रोल सेंटर में ही एक क्वेश्चन मुझे भर भर के आता है मेरे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे कि इसमें वाईफाई टेथरिंग सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, तो आप देख सकते हैं वाईफाई मैं यूज कर रहा हूँ, हॉटस्पॉट को ऑन करता हूँ और दोनों एक साथ काम नहीं करता है, यानी कि अगर हॉटस्पॉट ऑफ करेंगे तो देखिए वाईफाई काम करेगा, वाईफाई ऑन रहेगा तो हॉटस्पॉट ऑन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर एक कमाल का फीचर आपको मिल जाता है दोस्तों, GIF मेकर का, कैसे काम करता है तो आपको इसमें जाना है, अलाउ कर देना है, बोलेगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देना है और जहां भी रिकॉर्डिंग करना है इस तरह से पकड़ के आप इसको बड़ा छोटा करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो बहुत ही फैंटास्टिक क्लॉक है इसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो मैंने फ्रेम सेट कर दिया, यहाँ रिकॉर्ड का बटन है ये दबा देंगे तो देखिए रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का रिकॉर्डिंग होगा, बंद कर देंगे तो देखिए प्रीव्यू दिखाएगा कि किस तरह का रिकॉर्डिंग हुआ है, यानी 5 सेकंड का रिकॉर्डिंग है। इसको आप चाहे तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मीम बना सकते हैं, स्टिकर अगर मूवेबल बना चाहे वो बना सकते हैं और GIF तो खैर ये बनता ही है। अब वापस से हम लोग आएंगे अपने कंट्रोल सेंटर में, तो यहाँ पर स्क्रीन शॉट का फैसिलिटी है जो डिटेल में भी बताएंगे, पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर देखने को मिल जाता है। रेजोल्यूशन आपको क्या चाहिए, ऑब्वियसली हाई रेजोल्यूशन रखे तो 1080p बिल्कुल सही है। फ्रेम पर सेकंड आप कितना चाहते हैं, 30 चाहते हैं, 60 चाहते हैं या डायनेमिक चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा फ्रेम रेट को बेस्ड ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट ऑब्वियसली अनलिमिटेड ही रखिए, फाइल साइज भी अनलिमिटेड रखिए, और अगर आप चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय अगर आप कुछ टच कर रहे हैं तो टच पॉइंट भी रिकॉर्ड हो तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। इसके बाद कंट्रोल सेंटर में ही अगर आप देखेंगे तो आपको एक कमाल का ऑप्शन इसमें रेडी फॉर का मिल जाता है, जिसमें जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले तो ये बोलेगा आपको गेट स्टार्टेड करने। और इसका फायदा क्या है कि आप अपने फोन के जितने भी एप्स हैं उसको आप अपने PC भी खोल सकते हैं, यानी वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने इस मोटोरोला मोबाइल को अपने किसी भी PC से। फायदा बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जो काम अपने मोटोरोला मोबाइल
मोबाइल में आप कर रहे हैं वो सारा काम आप पीसी में कर सकते हैं, यानी मैसेज को सेंड कर सकते हैं, कॉल को रिसीव कर सकते हैं, अपने माउस को यूज करके ब्राउज कर सकते हैं, कॉपी आप अपने इस मोबाइल में करेंगे, पेस्ट अपने पीसी में करेंगे, तो इस तरह का सीमलेसली आपका कनेक्शन जो है आपका मोबाइल और आपका पीसी का हो जाता है। और सोने पर सुहागा ये है कि इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और आपके लैपटॉप का कैमरा क्या होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल VGA कैमरा होता है या 2 मेगापिक्सल का होता है। तो आप चाहे तो अपने इस मोबाइल के 50 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा को या फिर बैक कैमरा को अपने मोबाइल का वेबकैम बना सकते हैं और अपने वीडियो कॉल को बहुत ही शानदार बना सकते हैं और सामने वाला बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ये जादू आप कैसे कर रहे हैं। इतना क्रिस्टल क्लियर वीडियो देखेगा वो आपका तो वो आपसे जरूर पूछेगा कि भाई ऐसा कैसे कर लेते हो, तो उसको बताना मत भूलिएगा कि आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर है इसलिए कर लेते हैं। तो रेडी फोर का यूज कीजिए, जो भी परमिशन मांगता है अलाउ कर दीजिए और देखिए कितना बढ़िया कमाल का आपको सीमलेस कनेक्शन का एक्सपीरियंस होगा। और जो मैं बता रहा था उसका सारा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐप स्ट्रीमिंग है, मोबाइल डेस्कटॉप है, फोन ऑन पीसी है, वेबकैम है, फाइल ट्रांसफर है, हॉटस्पॉट है, पीसी लॉक है, स्मार्ट कीबोर्ड है और क्रॉस कंट्रोल है। और दोस्तों एक कमाल का चीज आपको दिखाऊंगा जो आप बिल्कुल आश्चर्य करेंगे कि आपके मोबाइल में था और आपको बिल्कुल पता ही नहीं था। आप देखेंगे यहाँ रिसेंट में जाते हैं तो कुछ भी नहीं आता है, देख सकते हैं नो रिसेंट आइटम्स है। ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं कि नोटिफिकेशन में कुछ होगा, तो हाँ नोटिफिकेशन में कुछ है, चलिए इसको उड़ा देते हैं सारा का सारा। अब देखिए सारा का सारा नोटिफिकेशन जो है उड़ जाता है, मगर उड़ने के बाद भी आप देखते हैं कि एक ऐप जो है एक्टिव है वो बैकग्राउंड में रन कर रहा है। अब दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि फोरग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं है मगर बैकग्राउंड में एक ऐप रन कर रहा है, यानी वो आपके बैटरी को चूस रहा है, आपके मोबाइल को गर्म कर रहा है, आपके मोबाइल को रिसोर्सेज को अननेसेसरली यूज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बैकग्राउंड में रन क्यों कर रहा है, जो आपकी जानकारी के बाहर है, तो ऑब्वियसली आपके मोबाइल के साथ कुछ भी हो सकता है जो आपको नहीं होने देना है। तो फटाक से इस ऐप एक्टिव में जाना है और यहाँ पर जो भी ऐप है उसको फोर्सफुली स्टॉप कर देना है। और एक बार जब आप स्टॉप कर देंगे तो आप देखेंगे ऐप एक्टिव जो है वो खत्म हो जाता है, यानी बैकग्राउंड में कोई भी मोबाइल का बैटरी को चूस नहीं रहा है कोई भी ऐप आपका। अब अपने मोबाइल का होम स्क्रीन पे होते हैं, राइट स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं ये क्या कुछ ऐसा आ जाता है जो अगेन आपको लगता है बड़ा बकवास सा चीज है, क्यों ऐसा आना चाहिए, बैटरी खा रहा है, डेटा खा रहा है, मोबाइल गर्म कर रहा है, नहीं चाहिए। तो आपको लॉन्ग टैप करना है अपने होम स्क्रीन पे और यहाँ पर विजेट्स वॉलपेपर पर्सनलाइज तो आप कर ही सकते हैं, होम स्क्रीन के सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। और इसमें जैसे ही जाएंगे तो स्वाइप एक्सेस में जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर फीड का ऑप्शन हो जाता है, बस आपको नथिंग कर देना है। ये नथिंग नथिंग फोन वाला नथिंग नहीं है दोस्तों जो आप समझ रहे हैं। अब देखिए आप अपने होम स्क्रीन पे जाते हैं, राइट स्वाइप करते हैं, कुछ भी नहीं होता और आपका स्क्रीन में मजा आ जाता है आपको। अब दोस्तों जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बैक टैप करते हैं इस मोबाइल में तो कोई भी एक फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं, जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उसको अचीव करना हो तो आपको कहां जाना होगा, तो आपके स्क्रीन पे ये मोटो का ऐप होगा, इसमें जाना होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारा खजाना मिल जाता है जिसमें आपको जेस्चर पे जाना है। यहां क्विक लॉन्च है जिसको बैक टैप बोला गया, आप देखिए बैक टैप करेंगे यानी पीछे टैप करेंगे दो बार, जैसे ही इसको इनेबल कर देंगे तो जो भी फंक्शनैलिटी यूज करना है यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप रिकॉर्डर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बैक टू होम कर सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो आप जैसे ही बैक टैप करेंगे इस मोबाइल में तो स्क्रीनशॉट ले लेगा ये फटाक से। इसी में अगर आप बैक जाएंगे जेस्चर में तो आपको साइड बार भी देखने को मिल जाता है, बस यहां से इनेबल कर देना है। साइड बार है कहां दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहां पे साइड बार छुपा हुआ होता है, ऐसे करके आपको लाना और देखिए साइड बार आ जाता है। तो साइड बार का खासियत क्या है कि बहुत सारा आपको ऐप यहां पे देखने को मिल जाता है। उसका फायदा क्या है, तो किसी भी ऐप को अगर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे फ्री फॉर्म विंडो या फ्लोटिंग विंडो में ये खुलता है। अब इसका खासियत क्या है दोस्तों, तो यहां पर इसका कान है, इसको पकड़ के आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं स्क्रीन में, और आपको लगता है छोटा बड़ा करना है तो किसी भी एज से पकड़ के देखिए आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देखिए ये छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, पूरा कर देंगे तो देखिए फुल स्क्रीन में आ जाएगा। और फ्लोटिंग विंडो में जाने का एक और तरीका आपको बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर रिसेंट बटन है इसमें जाएंगे, यहाँ पर आइकॉन है ऐप का इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फ्री फॉर्म यानी फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, अगेन आप फ्लोटिंग विंडो में चले जाते हैं। अब आपको लगता है कि बैकग्राउंड में ये ऐप रहना चाहिए और आपको कुछ काम करना है, तो यहाँ पर देखिए मिनिमाइज है, इस पर आप टच कर देंगे तो देखिए ये मिनिमाइज होकर यहाँ आ जाएगा। अब बैकग्राउंड में आपको जो भी काम करना है आप करते रहिए और यहाँ पर ये ऐप जो है बिल्कुल बैठा रहेगा। आपको लगता है इस ऐप का जरूरत है, बस इसको यहाँ से घींच के लिए देखिए यहाँ से आ जाता है। फिर आपको लगता है फ्लोटिंग विंडो का काम नहीं है तो यहाँ पे क्लोज बटन है, क्लोज कर दिए, देखिए क्लोज हो जाएगा। अब साइड बार का एक और आपको खासियत दिखाते हैं, साइड बार ले आते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसको और देखिए ये बोलता है कि कहीं भी छोड़िए ताकि आप स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट कर सके। तो देखिए ऊपर में स्प्लिट स्क्रीन आ जाता है फोटोज का और नीचे आ जाता है कोई भी ऐप सेलेक्ट करने के लिए। चलिए प्ले स्टोर कर लेते हैं तो देखिए नीचे प्ले स्टोर आ जाता है, ऊपर में फोटोज आ जाता है। अब ये बीच में आपको एक बार देखने को मिल जाता है, इसको पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी देखिए कितना बढ़िया से ये एनिमेट करके आपको दिखाता है किसको बड़ा करना है किसको छोटा करना है। और आपको लगता है कि प्ले स्टोर को बड़ा करना है तो ऐसे कर दीजिए, देखिए प्ले स्टोर फुल में आ जाएगा। अब एक और तरीका आपको बताते हैं स्प्लिट स्क्रीन में जाने का, तो रिसेंट्स में जाना है, यहाँ पर अगेन ऐप आइकॉन में जाना है और यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में आप जाएंगे तो देखिए स्प्लिट ऊपर में टॉप में चला जाता है, फोटोज को आप यहाँ नीचे में ला सकते हैं। वैसे स्प्लिट स्क्रीन में लाने का तीसरा तरीका भी है दोस्तों, उसको इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है और स्वाइप टू स्प्लिट का ऑप्शन को चुन के इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। और ये काम कैसे करता है दोस्तों, तो आपको जो भी ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में ओपन करना है ओपन कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए, देखिए स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। नीचे में जो भी ऐप को आप चुनना चाहते हैं आप यहाँ से चुन सकते हैं। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्विक कैप्चर भी देखने को मिल जाता है, यानी फोन को बस ऐसे ऐसे आप करेंगे और कैमरा जो है आपका इनेबल हो जाएगा। फिर से ऐसे ऐसे करेंगे तो फ्रंट कैमरा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करेंगे बैक कैमरा हो जाएगा, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। अब इसी में अगर बैक जाएंगे
तो आप देखेंगे कि आपको फास्ट टॉर्च भी देखने को मिल जाता है, यानी चॉप चॉप मोशन है, कराटे चॉप मोशन है। ऐसे ऐसे करेंगे तो देखिए फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। वापस जेस्चर में जाएंगे तो आप देखेंगे थ्री फिंगर का स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। काम कैसे करता है, तो तीन फिंगर लेना है उसको, ऐसे बस टच करके रखना और देखिए स्क्रीनशॉट ये ले लेता है। ऑप्शन मिल जाता है एडिट का, शेयर का, यहाँ से डिलीट भी करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, ताकि आपके स्टोरेज पर अननेसेसरी लोड ना पड़े। अब फिर से जेस्चर में जाएंगे और इसमें देखेंगे कि आपको स्क्रीनशॉट के नीचे क्या देखने मिलता है, लिफ्ट टू अनलॉक, जो आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए कि फोन को जैसे ही आप हाथ में उठाएंगे तो आपका स्क्रीन जो है वेकअप हो जाएगा। आपको कोई बटन नहीं दबाना है जो बैटरी ज्यादा खाता है, वेकअप करने के लिए लिफ्ट टू अनलॉक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बैटरी बचाता भी है। फिर से जेस्चर में बैक जाएंगे और देखेंगे कि अब क्या मिल जाता है, तो फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब। ऑब्वियसली दोस्तों फोन को बस पलट के आपको रख देना है, ताकि जब भी कोई कॉल आए, कोई नोटिफिकेशन आए तो वो म्यूट हो जाए, बस इस ऑप्शन को इनेबल करके, जिससे आप किसी मीटिंग में हो तो आपको किसी भी तरह का एम्बैरेसमेंट ना हो। बस फोन को पलट दीजिए और आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली साइलेंट मोड में, रिंगर मोड में चला जाएगा। वापस जाएंगे बैक और देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है पिकअप टू साइलेंस। अगेन अगर आपका कोई भी रिंग कर रहा है या कोई नोटिफिकेशन आया है तो फोन को जैसे ही आप हाथ में उठाएंगे इस ऑप्शन को इनेबल करके तो फोन जो है साइलेंट मोड में चला जाएगा। अब दोस्तों इस मोटो ऐप में एक कमाल का आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलता है, जो आपको जरूर से देखना बहुत जरूरी है, मोटो सिक्योर, ताकि आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहे, जिसमें सिक्योर फोल्डर है जिसको आपको फटाक से इनेबल कर लेना है अलाउ करके इस तरह से। ये करता क्या है, तो आपके ऐप को, मीडिया फाइल को सिक्योर फोल्डर में सिक्योर कर लेता है, ताकि दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान जो है आपके इन प्राइवेट प्रोटेक्टेड फाइल्स को एक्सेस ना कर सके। और सिक्योरिटी पे चार चांद लगाता है ये, कैसे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है, और एक बार लॉगिन करने के बाद ये आपसे पिन मांगेगा, पिन भी आपको दे देना, और जैसे ही आप पिन दे देंगे तो ये आपका कनेक्ट कर देगा सिक्योर फोल्डर को आपके अकाउंट से। अब सिक्योर फोल्डर का सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों, चलिए पैटर्न ही कर देते हैं, बेस्ट रहता है, मेरे को अच्छा लगता है। नेक्स्ट कर दीजिए, फिर से नेक्स्ट कर दिए, मैं तो सिंपल दे रहा हूँ, आपको ऐसा चटक दीजिएगा जो किसी को गेस ना कर सके और किसी को पता ना चल सके। फिंगरप्रिंट अनलॉक करना है वो भी आप कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे दोस्तों, आपको मन है तो अभी कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योर फोल्डर में आ जाता है आपका जो भी आप रखना चाहते हैं, यहाँ प्लस साइन कर दीजिए और देखिए जो भी रखना चाहिए, ऐप रखना चाहते हैं तो बस ऐप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ऐड ऐप कर दीजिए, और यहाँ से किसी भी ऐप को आप रखना चाहे रख सकते हैं। एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप को ही रख देते हैं, आप देखिए जैसे ही डन कर देंगे, ओके कर देंगे तो देखिए व्हाट्सएप आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो है वो डुअल ऐप का भी काम करता है। अब देखिए एक व्हाट्सएप ऐप आपका कहाँ है सिक्योर फोल्डर में, दूसरा व्हाट्सएप आपका कहाँ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल फोल्डर में, ये आप दूसरे अकाउंट से लॉगिन कीजिए, सिक्योर ऐप के व्हाट्सएप को दूसरे अकाउंट से लॉगिन कीजिए, नहीं एक ही मोबाइल में दो दो व्हाट्सएप का मजा लीजिए, वो भी दोनों डिफरेंट अकाउंट से। और ये तो दुनिया देख भी सकता है दोस्तों, मगर जो सिक्योर ऐप वाला है उसको दुनिया देख भी नहीं सकता है, भी आप याद रखिएगा। और सिक्योर फोल्डर के टाइम आउट को आप यहां से जनरेट कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाए और सिक्योर फोल्डर आपका लॉक हो जाए, ताकि गलती से ये खुला ना रह जाए और कोई आकर वहां पर कुछ आपका डिस्टर्बेंस ना कर दे, तो यहां सिक्योर फोल्डर टाइम आउट को जरूर से आप चूज कर लीजिए। और इसी सिक्योर फोल्डर के अगर 3 लाइंस के मेनू में जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिस्गाइज्ड आइकन का, जिसको आपको जरूर से यूज करना चाहिए, क्योंकि इसको कमाल का फीचर है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, आप चाहते हैं सिक्योर फोल्डर आपके मोबाइल में सिक्योर फोल्डर नाम से ना रहे, ताकि कोई भी आपके सिक्योर फोल्डर में जाना ना चाहे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इतना सारा आइकन चूज कर सकते हैं, जैसे ये बर्गर है, मैं बर्गर कर देता हूँ, खाने पीने का शौकीन हूँ दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योर फोल्डर के जो डिस्गाइज्ड आइकन का नेम है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो नाम क्या देते हैं, तो चलिए देते हैं बर्गर, और ये बुर्गर नाम देकर आप यहाँ पर बस ओके कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। अब देखिए कमाल का चीज क्या होगा, आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाएंगे और ऐप ड्रॉअर में आप जाएंगे तो सिक्योर फोल्डर आप खोजेंगे, मगर सिक्योर फोल्डर आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा क्या, तो बर्गर। बर्गर को टच करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए सिक्योर फोल्डर आ जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ आपको पता है, और किसी को तो पता है नहीं, वो सिक्योर फोल्डर खोजता रहेगा, नहीं मिलेगा तो वो फोन दे देगा आपको, और अगेन बोलेगा कि भाई सिक्योर फोल्डर को कहाँ छुपा के रख दिया, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा सिक्योर फोल्डर छुपते हुए। तो जरूर से बताइएगा दोस्तों, मैजिकल टेक गुरु का आप सब्सक्राइबर हैं, इसलिए आप इतने सारे फीचर को जानते हैं और प्रो यूजर बने हुए हैं अपने मोटोरोला मोबाइल के। और इसी बात पे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बताने की जरूरत नहीं है कि लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम मोटोरोला यूजर्स के साथ, ताकि वो भी बिल्कुल प्रो यूजर बन जाए आपके तरह। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन आप भी दबा दीजिए, वो भी दबा देंगे। और इसके बाद मोटो सिक्योर में ही आप देखेंगे आपको जो मैंने फीचर शुरू में बताया था पिन पैड स्क्रैम्बल का, बस यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है। तो देखिए नॉर्मली आपका पिन जो होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सीरियल नंबर में होता है, मगर पिन पैड स्क्रैम्बल यूज करेंगे तो हर बार जो है ये स्क्रैम्बल होकर आएगा, यानी कि उल्टा पुल्टा आएगा, जो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है SBI के मोबाइल बैंकिंग ऐप में देखने को मिलता है। तो बहुत ही तगड़ा सिक्योरिटी है दोस्तों, कोई भी गेस नहीं कर पाएगा आपने कौन सा नंबर डायल किया है अगर वो पैटर्न देखेगा तो। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आप डार्क थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको OLED पैनल देखने को मिल जाता है, तो कितना पिच डार्क, कितना बढ़िया डार्क आपको देखने को मिल रहा है ब्लैक कलर में। और इसके अंदर जाके आप इसको भी फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि स्केड्यूल कर सकते हैं कि कब कब आप चाहते हैं डार्क थीम को यूज करना। फिलहाल तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं इसको डिसेबल कर दूंगा, बैक जाऊंगा और देखेंगे कि आपको डार्क थीम के नीचे कलर्स मिल जाता है, जिसमें विविड है। विविड का मतलब क्या है कि आपको बिल्कुल सैचुरेटेड चटाक कलर मिलेगा, जो बहुत बढ़िया लगेगा देखने में। बैटरी अगेन थोड़ा ज्यादा खाएगा, आप चाहते हैं थोड़ा ब्राइट हो, वाइब्रेंट हो तो रेडियंट भी कर सकते हैं, नेचुरल चाहते हैं तो नेचुरल भी कर सकते हैं, मगर नया फोन है विविड तो बनता है दोस्त। आपको अगेन एज लाइट देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है इनेबल तो है ही। इसके बाद इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे फ्लिकर प्रिवेंशन है, जिसको आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए, ताकि डार्क एनवायरमेंट में आपका
स्क्रीन जो है बहुत फ्लिकर करता है और आपके आंखों पे बहुत ज्यादा जो है जोर देता है, जिससे आपको बहुत ही अजीब तरह का हेडेक हो सकता है। कभी कभी आपको लगेगा मोबाइल क्यों यूज कर रहे हैं, मगर जब आप फ्लिकर प्रिवेंशन ऑन कर देंगे तो अब आपको हेडेक बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे रात हो चाहे दिन हो, मक्खन की तरह आपका मोबाइल जो है बिल्कुल स्मूथनेस के साथ आपका मोबाइल जो है आपको ट्रीट करेगा। इसके बाद स्क्रीन टाइम आउट आ जाएंगे। मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं 10 मिनट रखा हूँ, आइडियली आपको 1 मिनट या 30 सेकंड कहीं रखना चाहिए, मगर ये कमाल का चीज नहीं। कमाल का चीज है कि इसमें आपको अटेंटिव डिस्प्ले मिलता है, जिसको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए, ताकि आप जो अपने मोबाइल को देख रहे हो तो आपका कैमरा जो है डिटेक्ट करे आपके सुंदर सुंदर निगाहों को, और जब भी आप अपने मोबाइल को देख रहे हो तो आपका मोबाइल जो है स्क्रीन टाइम आउट ना हो, जिससे आपका बैटरी को खत्म होता ही होता है। आपको बार बार परेशानी भी होता है स्क्रीन को ऑन करने में, फिंगरप्रिंट देने में, लंथपन देवाना। अब दोस्तों आप राइट स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं दो तरह का आपको मोटरोला का क्लॉक मिल जाता है। जो पहला है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बहुत बढ़िया लगता है। इस पर आप टैप करते हैं तो आप देखते हैं कितना बढ़िया ये वाइब्रेशन के एनिमेशन के साथ आता है और आपको ये बताता है कि एरिया क्या है और टेम्परेचर क्या है। अगेन इसको टच करते हैं तो देखिए टाइम आ जाता है, अगेन टच करते हैं तो फिर पूरा पूरा सेटिंग्स आ जाता है, फिर टच करते हैं तो देखिए पूरा पूरा टाइम आ जाता है। अगर आपको ये वाला क्लॉक अच्छा लगता है तो आप इसको सेट कर सकते हैं, ये क्लॉक अच्छा लगता है तो इसको कर सकते हैं, और ये क्लॉक तो उससे भी दो कदम आगे है दोस्तों। बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे एक्सपेंड कर देना और देखिए क्या होगा, तो जादू होगा। अब देखिए यहाँ पर ये टाइम बता रहा है, डेट बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है, एरिया का नाम बता रहा है, AQI इंडेक्स बता रहा है और बैटरी का परसेंटेज भी बता रहा है। तो आपको लगा था वो छोटा सा जो गोल है वो इतना बड़ा हो जाएगा और इतना सारा इन्फॉर्मेशन देगा। वैसे मैं समझ रहा हूँ दोस्तों कि आपका क्वेश्चन ये है कि भैया इसे विजेट आता कहाँ से, वो भी बताते हैं। लेकिन एक और विजेट आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये स्टोरेज का मैंने यहाँ पे विजेट सेट किया हुआ है। बस यहाँ पर आप टाइप करेंगे सीधा आपका स्टोरेज खुलेगा, आपको कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं कि आपका स्टोरेज कहाँ पर है। ठीक इसी तरह से अगर आप चाहते हैं आपका लोकेशन सीधा ओपन हो तो यहाँ से लोकेशन आप ओपन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, आपको कहीं भी अंदर जाके खोजने की जरूरत नहीं है। तो ये भी विजेट्स में आता है दोस्तों। सबसे पहले विजेट आता कैसे है, तो लॉन्ग टाइप करके अगर आप अपने होम स्क्रीन पर रखेंगे देखेंगे आपको विजेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब जो भी विजेट आपको चुनना हो आप यहाँ से चुन सकते हैं, मगर क्विक टॉगल अगर विजेट चुनना हो तो यहाँ से आपको क्विक टॉगल का विजेट मिल जाता है सेटिंग्स करके। बस आपको सेटिंग्स में जाना है, इस टॉगल को पकड़ना है, यहाँ पे कहीं पे लाके छोड़ देना है, और सेटिंग्स में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप 100 मोड करना चाहते हैं, वाईफाई करना चाहते हैं, ऐप इन्फो करना चाहते हैं, इतना सारा ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन आप चाहते हैं कर सकते हैं। एग्जांपल के मैं बैटरी कर देता हूं, तो अब देखिए फायदा क्या है, इस पे मैं टैप करूंगा सीधा बैटरी खोलेगा। आपको कहीं भी सेटिंग में जाकर खोजने की जरूरत नहीं बैटरी कहाँ है भी कि नहीं है। आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है इससे सॉल्व हो जाता है अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हैं तो। और अब जो बैटरी खुली गया है तो यहाँ भी एक कमाल का चीज आपको दिखाते हैं, चार्ज बूस्ट का। बस इसको यहाँ से इनेबल कर लेना है तो आपका मोबाइल जो है बिल्कुल चार्जिंग फास्ट करेगा, बहुत फास्ट करेगा। इसी में बैक जाएंगे बैटरी में तो नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है बैटरी परसेंटेज का। यहाँ आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, यानी कितना परसेंट बैटरी चार्ज है आपको तो पता ही नहीं है। बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए, आप देख सकते हैं 87% बैटरी जो है फुली चार्ज है। अच्छा दोस्तों एक जादू आप देखना चाहते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आपके मोटरोला मोबाइल में ये फीचर भी आपको देखने को मिलता है। आप ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं देखते हैं नो नोटिफिकेशन। कभी आपने गौर किया ये नो नोटिफिकेशन का और क्या यूज हो सकता है? बिल्कुल आसान है दोस्तों, बस टैप कीजिए और आप देखिए आप सीधा नोटिफिकेशन के नोटिफिकेशन हिस्ट्री में चले जाते हैं। बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने का फायदा क्या है कि जितना भी नोटिफिकेशन आएगा वो पहले यहाँ सेव होगा, तो गलती से नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता है और आप 25-30 नोटिफिकेशन देखते हैं, झल्ला जाते हैं, सारा उड़ा देते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं उसमें तो एक काम का था, अब कैसे मिलेगा। तो वो 25-30 नोटिफिकेशन जो आपके मोबाइल में आता है सारा का सारा नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आता है। जो भी आपको काम का लगता है उसको रखिए, बाकी सबको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और इसका एक फायदा और है दोस्तों कि अगर आपका कोई दोस्त मैसेज करता है कि भाई 1000 रुपया देना और डिलीट कर देता है, तो आपको व्हाट्सएप पे क्या दिखता है कि भाई 1000 रुपया देना नहीं, आपको दिखता है मैसेज डिलीटेड। और आप आ जाते हैं टेंशन में कि आपका दोस्त जो है मैसेज को क्यों डिलीट किया, मगर उसको क्या पता है कि आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर है। अगेन आप यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री में देख सकते हैं उसका मैसेज कि भाई 1000 रुपए देना उसने किया था। उसको तो लग रहा है मैसेज डिलीट कर दिया, आपको पता नहीं है, मगर आप हैं बिल्कुल समझदार किस्म के प्राणी, आप यहाँ पर देख लेते हैं मैसेज क्या था। तो अगली बार अगर वो मैसेज करे कि भाई 500 रुपए देना, तो बोलना फिर से डिलीट कर दो, मैंने तुम्हारा पिछला मैसेज भी पढ़ लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट जन फीचर की तरफ, हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको जेस्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले तो नेविगेशन मोड देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि आपका फोन एंड्रॉइड फोन है तो आपको नीचे बटन मिलता है, मगर आपको लगता है कि नहीं आईफोन में जिस तरह का बटन नहीं होता है, होम बटन भी नहीं होता है और केवल जेस्चर पे काम करता है, तो इस फोन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन पहला सजेशन मेरे को मोटरोला को रहेगा कि यहाँ पर सेटिंग्स में जब आप जाते हैं तो ये जो बटन है बैक बटन और रिसेंट बटन, इसको स्वैप करने का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देना चाहिए कि अगर हम टच करें तो ये स्वैप कर जाए, यानी कि बैक यहाँ आ जाए रिसेंट वहां खुला जाए। इसी में अगर आप बैक जाएंगे जेस्चर नेविगेशन में, तो जेस्चर को जैसे ही आप चूज करेंगे तो आप देखेंगे कि बटन गायब हो जाता है, यहाँ पर जेस्चर बाहर आ जाता है। और कैसे काम करता है यहाँ पर आपको बताएगा, मगर आपको इससे जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हैं बताने के लिए दोस्तों। बस यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। आपको लगता है होम स्क्रीन पे जाना है, होम बटन ही नहीं है, कैसे जाएंगे? तो बस नीचे से ऊपर ऐसे कर दिए, देखिए मक्खन की तरह आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। फिर आपको लगता है रिसेंट ऐप को देखना हो तो कैसे देखेंगे? नीचे से ऊपर स्वाइप कीजिए, बीच में रुक जाइए, देखिए रिसेंट ऐप यहाँ पर देख लेते हैं। जो भी ऐप आपको यूज करना है यूज कर सकते हैं, वरना उड़ाना है तो इस तरह से आप उड़ा भी सकते हैं। इसके बाद आपको लगता है कि एक ऐप से दूसरे ऐप में जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? तो ये बार का यूज करेंगे, बस ऐसे करेंगे, देखिए एक ऐप से दूसरे ऐप में कितना आसानी से चले जा रहे हैं। सिर्फ राइट ही नहीं लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से आप इतना
आसानी से एक ऐप से दूसरे ऐप में इस तरह से स्विच कर जाते हैं। अब आपको पता चलता है कि बैक जाना है कैसे जाएंगे, तो वो भी बहुत सिंपल है दोस्तों। किसी भी एज से आप अंदर की ओर ऐसे करेंगे, देखिए बैक बटन दबाएगा बैक चले जाएंगे। अगेन लेफ्ट एज से भी आप ऐसे कर सकते हैं, बस ऐसे कीजिए, देखिए बैक बटन बना बैक चले गए। चलिए वापस हम लोग सेटिंग के जेस्चर में चलते हैं और देखते हैं और क्या फीचर आपको देखने को मिलता है। तो साइड बार तो मैंने आपको बता दिया, 100 मोड भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। अब दोस्तों आपका स्क्रीन जो है इतना बड़ा है, 6.7 इंच का स्क्रीन है, अंगूठा कहाँ ऊपर जाएगा बैक करने के लिए, तो बस 100 मोड को इनेबल कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए और देखिए 100 मोड में ही आ जाता है। अब देखिए अंगूठा आपका आराम से यहाँ चला जाएगा बैक करने के लिए, आप नीचे से ऊपर जो चलना चाहे वो कर सकते हैं, बस आपका स्क्रीन जो है छोटा हो गया और 100 मोड के लिए परफेक्ट हो गया। यानी एक हाथ से ही अपने इस मोबाइल को यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। फिर आपको लगता है 100 मोड का काम हो गया, कहीं भी टाइप कर दीजिए, देखिए फुल स्क्रीन में आ जाता है। इसके बाद स्वाइप टू स्प्लिट 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, ये तो मैंने आपको बता दिया। डबल प्रेस पावर की जरूर से इनेबल कर लीजिए, यानी पावर की को आप दो बार जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कैमरा जो है इनेबल हो जाता है इस तरह से। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो प्रेस एंड होल्ड पावर बटन भी है, जिसमें आप क्या चुनना चाहते हैं। तो देखिए प्रेस एंड होल्ड करते हैं पावर बटन को, तो आप देखते हैं कि कुछ ऐसा जाता है जो अगेन अजीब सा होता है, आप नहीं चाहते हैं कि कुछ इस तरह का है, आप चाहते हैं पावर मेन्यू आए, तो बस यहाँ से पावर मेन्यू को सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो पावर मेन्यू ही आएगा। अब दोस्तों ये जानने के लिए आप बेकरार होंगे कि आपके मोटोरोला में ये जो गूगल का डायलर मिलता है ये कॉल रिकॉर्डिंग करता है कि नहीं करता है, तो ऑब्वियसली आप सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से ऑटोमेटिकली कॉल भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस तरह से। फिर अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि गूगल वाली आंटी और कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड अनाउंस करती है नहीं करती है, तो बिल्कुल करती है दोस्तों, क्योंकि गूगल वाली आंटी हमेशा कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड अनाउंस करेगी। हाँ एक ऑप्शन ये है कि आप अनाउंसमेंट की जगह पर अगर कोई ऑडियो टोन बजाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए, अग्री कर दीजिए। मगर अगला क्वेश्चन फिर आपका ये होगा कि सामने वाले को पता चलेगा कि नहीं कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल पता चलेगा। गूगल वाली आंटी जो है कॉल अनाउंसमेंट नहीं की, मगर यहाँ टोन तो बजाई ताकि वो पता चल जाए सामने वाले को कि आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि गूगल वाले डायलर से अगर आप कॉल करें ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो, आपको तो पता चले मगर सामने वाले को पता नहीं चले कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, किसी भी तरह के अनाउंसमेंट ना हो, तो हमारा एक वायरल वीडियो है जो अभी आप आई पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, जरूर उस वीडियो को जाकर देखिए, पूरा शुरू से अंत तक देखिए और एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए जो जो मैंने आपको बताया है। टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है दोस्तों कि आपका गूगल का जो कॉल डायलर है वो बिना किसी अनाउंसमेंट को कॉल को रिकॉर्ड करेगा, ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड करेगा। कॉल को कहां रिकॉर्ड करके रखता है वो भी मैंने आपको बताया है, सेव करना है, शेयर करना है वो भी मैंने आपको बताया है, तो एक एक चीज बताया है, वहां जाकर जरूर देखिए और इस वीडियो का फायदा उठाइए। सामने वाले को पता मत चलने दीजिए कि कॉल जो है रिकॉर्ड हो रहा है। अब दोस्तों एक चीज आपने गौर किया कि नहीं, अगर आप ऊपर से स्वाइप करते तो आप देखते हैं यहाँ पर एक आपको छोटा सा आइकॉन मिल जाता है जो मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है। एक प्राइमरी यूजर एमटीजी तो है इस मोबाइल में, मगर इसमें आप गेस्ट यूजर भी ला सकते हैं, आप ऐड यूजर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको टेम्पोरली अपना मोबाइल किसी को देना है कुछ काम करने के लिए, तो आप मोबाइल दे सकते हैं, वो गेस्ट यूजर में लॉगिन करके अपना जो भी काम है कर लेगा, मोबाइल वापस कर देगा। तो इसका फायदा यह है कि एक ही मोबाइल से आप मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं, और जब वो यूज कर रहा है मोबाइल तो उसका प्राइवेसी होगा, उसका डेटा होगा, आप यूज कर रहे हैं मोबाइल तो आपका प्राइवेसी होगा, आपका डेटा होगा, वो आपके डेटा को नहीं देख सकता, आप उसके डेटा को नहीं देख सकते। तो दोस्तों ये थे इस मोटोरोला मोबाइल के इतने सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स। आपको कैसा लगेगा फोन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर से अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ पुण्य का काम है करते रहना चाहिए, थोड़ा पुण्य और कीजिए, हमारे दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस को भी देखिए और उसका भी फायदा उठाइए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी मोबाइल के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो लेकर, चाहे वो गेमिंग का वीडियो हो, चाहे वो कैमरा के वीडियो हो, चाहे वो सेटिंग्स का वीडियो, जिसको ऑन करना है ऑफ करना है वगैरह वगैरह। तो हमेशा की तरह दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।